देशवासियों को लाख लाख बधाई देता हूँ। गुरु रविदास जी ने जिन्होंने लोगों को सच, मानवता और भगवान की भक्ति करने का जो संदेश दिया, आज उसी का शिला है कि 600 सालों से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी आज गुरु रविदास जी को बड़े मान सम्मान के साथ याद किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हरी सा हीरा छोड़ के करे आन की आस, तेनर जमपुर जाएगा सच बाचे रविदास। गुरु रविदास जी कहते हैं कि इन बेकार चीज़ों को तू मनुष्य क्यों अपना रहा है, उस हरि नाम का जो हीरा जो है उसी का भजन कर, नहीं तो तुझे नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए हमें सबको छोड़कर हमें धर्म के पथ पर चलना चाहिए और उस परमपिता परमात्मा उन राम कृष्ण आदि का भजन करना चाहिए, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के दिन हमें ये शपथ लेनी चाहिए कि हम गुरु रविदास जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। धन्यवाद सर। भगत रविदास का जन्मदिन जो है आज पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है, खुशूस आप पूंछ में मना रहे हैं, गीता भवन में, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वरु सत्य सनातन धर्म की जय। आज हम सभी देशवासियों के लिए बड़ा एक हर्ष का दिन है कि जिस प्रकार से भारत वर्ष को जो है त्योहारों का, ऋषियों का, मुनियों का देश कहा जाता है और हर आए दिन जो है किसी न किसी महापुरुष की जयंती और पर्व जो है वो मनाया जाता है, उसी कड़ी में आज शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जो जयंती है पुंछ जिला में भी बड़े धूमधाम से मनाई गई। उसी सिलसिले में आज सुबह श्री कृष्णचंद्र पार्क के पास जो हमारी एक बस्ती है वहाँ पर एक भव्य भंडारे का आयोजन किया गया और अभी यहाँ पर श्री गीता भवन के अंदर जो 3 घंटे का भजन, सत्संग और प्रवचन का कार्यक्रम रहा, उसमें भी भक्तजनों ने जो है बड़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पहुँच करके भगवान का गुणगान किया और गुरु महाराज जी के जो उपदेश थे, जो उनकी शिक्षाएं थी, उनके ऊपर चर्चा की। हमारे समाज के अंदर भक्ति पे जो है वो अधिक बल दिया गया है और भगत रविदास जी जो थे उन्होंने अपनी भक्ति से जो है जो भी उपलब्धियाँ हासिल की और समाज के अंदर उस समय जो वातावरण था उस वातावरण के अंदर जो है लोगों को प्रेरणा दी, जो है अपने विचार प्रवचनों द्वारा जो है लोगों को ऊंच नीच भेदभाव से ऊपर उठ करके सनातन के लिए काम करने के लिए जो अग्रसर किया। मेरा वर्तमान में भी आपके माध्यम से समस्त सनातनी बंधुओं से ये निवेदन रहेगा कि हम भी सभी इस प्रकार की ऊंच नीच की बातें जो हैं उनको भूल करके सामाजिक समरसता के नाते, सामाजिक सद्भाव के नाते जो है हम प्रभु की भक्ति का गुणगान करें और सनातन के लिए कार्य करें। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय।